Hello Army, welcome to back my channel and how are you? I hope all so fine. तो Army ये magical love connection का part 17 है, so I hope ये part आपको अच्छा लगेगा. अब चलिए video को start करते हैं. पिछले के part में हमने देखा कि women वहाँ से चले आते हैं और young को बातें कर रहे थे. तूने मुझे परेशान किया है ना, हम दोनों का moment खराब कर दिया. अब देख मैं तुझे भी परेशान करूँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे तूने मुझे किया है. ओके फाइन, कर लेना. वैसे तू बता, तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? हाँ, मैं तुम दोनों को बताने ही वाला था. एक्चुअली हम दोनों की शादी 2 दिन बाद है. ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की शादी जल्दी ही होने वाली है. तुम लोगों की शादी जल्दी हो जाएगी तो जल्दी एक हो जाओगे. वैसे तुम मुझे एक बात बता कि तेरे पास मैजिक है ये क्या तुम जानती है? अगर नहीं जानती है तो बता दे. नहीं यार, उसे सब कुछ पता है. इनफैक्ट उसके पास भी मैजिक है. अब जब मैं तुझे बताने वाला हूँ ना तो उस पर यकीन नहीं करेगा. क्या उसके पास भी मैजिक है? वैसे तू क्या बताएगा, मैं यकीन करूंगा तो बोल. अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ. उसके बाद तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास ये सब मैजिक क्यों है. अच्छा तो फिर जल्दी बताना, मेरे दिल की धड़कने तेज क्यों कर रहा है? एक्चुअली यार बात ये है कि फिर जंक सुगा को सारी बात बता देता है जो उसके पिछले जन्म में हुआ और जो इस जन्म में हुआ. और तेरी बातों पर यकीन करने का मन तो नहीं कर रहा है, मगर मुझे यकीन करना ही होगा. बिकॉज जब भी मैजिक सच हो सकता है तो ये सब भी सच हो सकता है. और उस युगों की ऐसी की तैसी. वैसे यार अगर तू पिछले जन्म में था तो हम लोग कहाँ थे, यानी कि मैं और जमीन कहाँ थे? मुझे क्या पता यार, शायद उस जन्म में हम दोनों दोस्त नहीं होंगे. एंड हाँ, इस जन्म में दोबारा उसी ने जन्म लिया है जो उस जन्म में मर गया था, या फिर उसकी अधूरी इच्छा रह गई थी. कोई ना, उस जन्म में तो नहीं रह पाया तेरे साथ, मगर इस जन्म में तो तेरे चड्डी बड्डी यार हूँ. हाँ तूने बिल्कुल सही कहा. वैसे यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ. आखिर वो कैटरीना कैफ मरी गई. कैटरीना कौन? कैटरीना? अरे यार वो लीसा, मैंने सुना कि वो टपक गई. ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तेरा रास्ता साफ हो गया. वो तेरे पीछे पड़ गई थी, मेरा दिमाग खराब करती थी. शुगर जंगल बेबी कहाँ है? वो मुझे मिल ले यार, बता ना. तुम तो उसके फ्रेंड हो, तुम तो जानते होगे. ये क्वेश्चन 50 बार पूछ के मेरा दिमाग खराब कर देती है. व्हाट, ये क्या बोल रहा है? लीसा की डेथ हो गई, मगर कैसे? वो तो अभी जिंदा थी. और मुझे क्या पता कि वो कैसे मरी. वैसे मर गए तो तेरे लिए अच्छा ही हुआ, वरना ये शादी नहीं होने देती. पर यार एक बार सोचने तो पड़ेगा ना कि वो कैसे मरी. मतलब उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उसे, फिर कैसे मर गई? अरे यार अब मेरा दिमाग मत खराब कर. तू लीसा के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है? अब तो तेरे को देख, वो तेरी वाइफ बनने वाली है. नहीं यार एक बार मुझे लीसा के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना कि वो जंगकुक ये लीसा कौन है, और तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे? और तुमने उसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया. वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया. तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जंगकुक? बोलो जिमी बेबी, मुझे लगता है कि हम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा. नहीं शुगर, हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए. मुझे लगता है इन दोनों में लड़ाई होने वाली है. अगर ज्यादा बढ़ गई तो हमें संभालना तो होगा ना. क्या बेबी तुम्हें क्या लगता है, इन दोनों में लड़ाई, और वो भी बढ़ेगी? अगर बढ़ेगी भी ना तो तुरंत सुलझ जाएगी, उसके बाद देखना रोमांटिक सीन चलेंगे यहाँ पर. क्या तुम वो रोमांटिक सीन देखना चाहती हो, इसीलिए यहाँ पर खड़ी हो? तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर खड़ी होने की कोई जरूरत नहीं है. तुम घर चलो, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा. ओहो शुगर, तुम भी ना मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है. ओके चलो यहाँ से. चलो आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ ही गई. चलो बेबी. फिर युनमिन वहाँ से चले जाते हैं. उसके बाद तेबी गुस्सा होकर रूम से बाहर जाने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले जंगकुक रूम का डोर अंदर से लॉक कर लेता है. ये क्या कर रहे हैं जंगकुक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी. तुमने इतनी बड़ी बात मुझे छिपाई, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? सच बताओ. नहीं ते, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद यहाँ से जाना. अब क्या रह गया है बताने को? इतने दिनों से तुमने मुझे कुछ बताया नहीं, अब क्या बताओगे? फिर जंगकुक लीसा के बारे में सब कुछ तेको बता देता है. क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ गई? अच्छा वो बहुत अच्छा, उस चुड़ैल के साथ वो मर गई, अब हमारे बीच नहीं आएगी. लेकिन ते लीसा कैसे मर सकती है, उसे तो कुछ था भी नहीं. उसकी डेथ कैसे हुई मैं जानना चाहता हूँ. आई डोंट केयर कि उसकी डेथ कैसे हुई, मगर तुम उसके लिए इतना वर्ड क्यों हो रहे? क्या तुम उसे प्यार करते हो? तुम उसे प्यार नहीं करते ना, तुम झूठ बोल रहे हो. ते ये तुम क्या बोले जा रही हो, मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ ना. ये सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो. ते मेरी बात तो सुनो कि मैं क्या कह. मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई कैसे? जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है, मगर ते बार बार उसकी बात को काट देती थी और उसकी बात को नहीं सुनती थी, इसीलिए जंगकुक उसे किस कर लेता था कि वो चुप हो जाए. कभी भी नहीं करता था, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता था. उसने तो मुझे एक बार प्रपोज भी किया था कॉलेज में, मगर मैंने उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था. तब भी मैं तुम्हें से प्यार करता था और अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं. तो तुम परेशान होना बंद करो. क्या सच में तुम मुझे छोड़ोगा तो नहीं जाओगे ना? नहीं भला, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा जबकि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ. और अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर मैं क्यों जिंदा रहूंगा? तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए मेरी जिंदगी हो. अगर तुम नहीं रही ना तो मैं मर जाऊंगा. शट अप, ये मनी मानी की बात मत करो, ये मैंने बहुत सुन लिया. अब मैं तुम्हारे साथ लाइव बिताना चाहती हूँ, ये सब बातें मत करो. ओके फाइन, नहीं करूंगा. आई लव यू, लव यू टू जंगकुक.
जिमिन, तुम क्या सोचे जा रही हो? तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। आई एम सॉरी सुगा, एक्चुअली ना मैं ते के बारे में सोच रही थी। उन दोनों की लड़ाई सुरस तो गई होगी ना? मेरी फ्रेंड ना बहुत सालों बाद इतनी खुश हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि उसकी खुशियों को ग्रहण लगे। अरे जीवन, तुम फालतू में परेशान हो रही हो, इतना ओवर थिंकिंग करना बंद करो। और जैसा कि मैंने कहा था कि अब तक तो उनमें रोमांटिक सीन चल रहे होंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो सुगा, मैं ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ बहुत खुश होगी। चलो आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, अब चलो। चलो कहाँ चलो सुगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जिमिन जान का भी अनजान बनना तो वो तुमसे सीखे। मैं अपने बेडरूम की बात कर रहा हूँ, वहाँ चलो। क्या बेडरूम में? पर क्यों? ओह तो तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? एक मिनट, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इतना बोलकर सुगा जिमिन को कैरी करता है और अपने बेडरूम में ले जाता है। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। फाइनली ते, आज तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम भी सेटल हो जाओगी, फिर तुम मुझे चिल्लाना बंद करोगी। सबसे ज्यादा तो मुझे इसी बात की खुशी है। सॉरी जिमिन, पर ये कभी नहीं हो सकता। मैं तुझे हमेशा परेशान करती रहूंगी और हमेशा चिल्लाती रहूंगी, ये कभी नहीं बंद होगा, चाहे मेरी शादी हो चाहे ना हो। हाँ मुझे पता था कि तू यही बोलने वाली है, मगर हाँ तू चिढ़ाएगी तो मैं भी चिढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अब तेरी भी शादी हो जाएगी। वैसे ये सब छोड़, तू रेडी हो चुकी है, अब तुझे बाहर जाना होगा, बिकॉज बहुत लेट हो रहा है। आंटी ने कहा था 10 मिनट के अंदर बाहर ले आना, लेकिन तूने 20 मिनट लगा दिए, अब चल। ओके चल, वैसे भी मैं रेडी हो चुकी हूँ। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं, उसके बाद टेकुक स्टेज पर जाते हैं। भागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में रही मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। टीकू की शादी खत्म हो जाती है और सभी उसी कांग्रेस कहते हैं। ते ये ले, मैं तेरे लिए लाया हूँ, ये घड़ी जाकर खोलना। ओके क्या गिफ्ट? थैंक यू सो मच यार। वैसे इसमें क्या है? इसमें बहुत अच्छी चीज है, तू जाकर अपने रूम में खोलना। ओके प्लीज यार बता ना इसमें क्या है, देख ऐसी वैसी चीजें मत देना। फिर जिमिन ते के कान के पास आती है और कुछ कहती है, जिससे कि ते उसको गिफ्ट वापस करने लगती है। रख तू इसे, मुझे ये नहीं चाहिए, तुझे क्या आया था कि मैं इसे पहनूंगी? अरे ते प्लीज ये रख ले और पहनना जरूर, देख जंगो तुझे देखा गया तो पागल हो जाएगा। ये दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुझे क्या लगता है कि मैं ये ड्रेस पहन कर वो भी जंगो के सामने जाऊंगी? पागल, अगर मैंने ऐसा किया तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, फिर मैं कैसी हूँ? अरे यार वो कुछ नहीं सोचेगा और वो उल्टा बहुत खुश हो जाएगा। प्लीज तू यहाँ से जा और इसे जरूर पहनना। मैं नहीं पहनने वाली, पागल रहेगी। ते बेटा अगर तुमने अपने फ्रेंड से मिल लिया हो तो अब हमें घर जाना होगा, बिकॉज घर जाने का टाइम हो गया और बहुत लेट भी हो गया है। हाँ मैम मैंने बात कर ली। ओके चलिए, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके सब लोग बाय बोलो और चलो। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलते, उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ओके बेटा तुम दोनों जाओ अपने रूम में रेस्ट कर लो, वैसे भी बहुत थक गए होगे। ओके मैम, ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, गुड नाइट डैड। फिर नामजिन भी टेकू को गुड नाइट बोलते हैं, उसके बाद टेकू को अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। वैसे ते तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे और तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? नहीं तो हम तो कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे, और वो बेकार से गिफ्ट है, बाद में देख लेंगे। चलो सो जाते, रात हो गई है। नहीं ते ऐसा नहीं कहते, तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें इतनी प्यार से दिया और तुम उसे बेकार से गिफ्ट क्या दिया, ऐसा नहीं बोलते। ला मैं भी तो देखूं अगर तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हें क्या दिया जो तुम उसको बेकार से गिफ्ट बोल रही हो। मैंने बोला ना कि वो बेकार है, देखने की कोई जरूरत नहीं है। जानो तुम सोचा ना, अब तो मुझे देखना ही है अगर उसने क्या दिया है, तुम उसे छिपा रही हो, मुझे दिखाओ। और तुमने अपने हाथ के पीछे क्या छिपाया, मुझे दिखाओ। नहीं तो कुछ भी तो नहीं छिपा रही हूँ। फिर जंगुक तेल के हाथ से वो गिफ्ट छीन लेता है और उसके अंदर का गिफ्ट देख लेता है। ये क्या है? और तुम्हारी फ्रेंड ने ये दिया तुम्हें? क्या मैंने तुमसे बोला था कि मत देखना, क्यों देख लिया? अब मैं क्या करूँ? तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी शर्म आ रही है, अब मैं क्या करूँ? ते तो मेरे सामने क्यों शर्मा रही हो? तुम तो मेरी वाइफ हो ना, और वैसे भी ये गिफ्ट इतना बुरा भी नहीं है, तुम इसे पहन कर देखो। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं नहीं पहनने वाली। प्लीज ते एक बार मेरे लिए पहन लो, देखो मैं तुम्हें स्ट्रेस में देखना चाहता हूँ, प्लीज। ओके फाइन, मगर हाँ मुझे अगर अनकम्फर्टेबल लगा ना तो मैं उतार दूंगी। अच्छा ठीक है, अब जाओ जल्दी। फिर ते जाती है और वो ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है। आर्मी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आगे की वीडियो आप अपने रिस्क पर देखना, अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप मत देखना, या फिर आप अनकंफर्टेबल हैं तो भी आप मत देखना, वीडियो स्किप कर देना। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं।
अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। हाँ वही वो ही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ, तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। Okay, अर्मी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।